स्टूडेंट, आज डॉक्यूमेंट मार्क्स अपलोड करने की लास्ट डेट है। जिसने भी अपलोड नहीं किया उसके पास टेक्स्ट मैसेज आ रहा है, तो वो डॉक्यूमेंट अपलोड कर दें। और जिसने कर दिए उसके पास भी आ रहा है, तो उसमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप रिफ्रेश कर लो उसको, है ना। मैं आपको दिखा देता हूँ आपको डॉक्यूमेंट के मार्क्स कैसे अपलोड करने हैं। यहाँ पे आप गूगल पे जाके दयालबाग यूनिवर्सिटी ओपन करना। जैसे मैं स्टेप बता रहा हूँ वैसे करते जाओ, और आप आज 5 बजे तक उसको जो है अपडेट कर दो। उसके बाद फिर शायद वो क्लोज हो जाए। जिसका भी नाम वगैरह कुछ गलत है वो देख लो भाई, वहाँ पे जाके अपलोड हो रहा है कि नहीं। और स्टूडेंट, आपका जो प्रवेश के लिए ऑनलाइन साक्षात्कार कार्यक्रम भी आउट हो चुका है, तो इसको भी मैं आपको बाद में दिखा दूँगा। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आपको यहाँ पे जाके ऑनलाइन आवेदन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डालना है। मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे आपको ओपन कर लेना है। अब स्टूडेंट, ओपन करने के बाद आपको डायरेक्टली स्टेप 3 पे आपको यहाँ पे टिक करना होगा। स्टेप 3 पे जाने के बाद आपको यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्क्स अपलोड हैं ऑलरेडी। आपको यहाँ पे अपने मार्क्स जो हैं अपलोड कर देने हैं। हाई स्कूल में हाई स्कूल के करने हैं, इंटरमीडिएट में इंटरमीडिएट के करने हैं, और जिसने ग्रेजुएशन किया हुआ है उसको ग्रेजुएशन के अपलोड करने हैं। स्टूडेंट, मार्क्स जो हैं वो अपलोड करने ही करने हैं। अगर किसी का रिजल्ट नहीं आया है उसको, तो भाई एडमिशन मुश्किल है उसका। लेकिन मार्क्स जो हैं कंपलसरी हैं, तो आप देख लो। और इस टाइप से मार्क्स अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे सेव कर देना है। ये सेव हो जाएगा और आपको यहाँ से फॉर्म को प्रिंट कर लेना है। थैंक यू ऑल ऑफ यू। प्रिंट का ऑप्शन मैं आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट। प्रिंट का ऑप्शन आपका ये वाला है, यहाँ से आपको प्रिंट करना है।